हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री का जो नेता पद करे थे उनका नाम। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको संभावित मंत्रियों का नाम बताता हूँ जिन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला। नंबर एक आपको बता दूँ, कैबिनेट में रविशंकर प्रसाद का मंत्री बनना बिल्कुल तय है। आपको बता दूँ, रविशंकर प्रसाद जो है बिहार से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में करीब 15 या 16 साल एक्टिव है। इसके बाद अगले जो कैंडिडेट है जिनका मंत्री बनना तय है वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के बारे में आप जानते होंगे, अभी हाल फिलहाल में जो थे वो रेलवे संभाल रहे थे और अच्छी खासी रेलवे डिपार्टमेंट में उन्होंने वैकेंसी भी लाई थी और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, उनका भी मंत्री बनना तय है। उसके बाद जो अगले कैंडिडेट है वो है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर के बाद जो अगले कैंडिडेट है जो मंत्री बनेंगे, जी हाँ, सबसे ज़्यादा इनके नाम पर चर्चा है। पिछली बार ये हार के भी कैबिनेट में मंत्री रही थी तो इस बार उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया है और इसका बिल्कुल लगभग एक अच्छा डिपार्टमेंट मिलने वाला है। तो स्मृति ईरानी भी मंत्री बनने जा रही है। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी, इनका भी मंत्री बनना तय है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री का पहले भी पदभार संभाल चुके हैं एनडीए सरकार में रामविलास पासवान के बारे में ये कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक है और सरकार किसी की बने ये तो मंत्री जरूर बनेंगे। उसके बाद जो अगले कैंडिडेट्स हैं उनका बता देता हूँ मैं। उसके बाद डीवी सदानंद गौड़ा का भी मंत्री बनना तय है। डीवी सदानंद गौड़ा जो है आज शाम को मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। उसके बाद अगले जो है वो है संतोष गंगवार, काफ़ी ही सरल स्वभाव के मंत्री हैं और इनका कामकाज काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी शांति से अपना काम करते हैं। इसके अलावा बाबू सुप्रियो जो कि एक सिंगर रह चुके और पश्चिम बंगाल से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये पश्चिम बंगाली फिल्मों में हीरो का भी रोल करते हैं तो बाबू सुप्रियो का भी बनना तय है। उसके बाद जितेंद्र सिंह, ये किसानों के काफ़ी अच्छे नेता माने जाते हैं तो जितेंद्र सिंह का भी मंत्री बनना तय है। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी मंत्री पद ग्रहण करेंगे। उसके बाद अगली कैंडिडेट्स की बात करें तो प्रहलाद जोशी, इनका भी मंत्री बनना तय है। अगले हैं किशन पाल गुज्जर, इनका भी मंत्री बनना तय है। उसके बाद साध्वी निरंजना ज्योति, ये भी केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। अगले हैं किरण रिजिजू, इन्हें भी केंद्रीय मंत्री का शपथ ग्रहण करेगा। धर्मेंद्र प्रधान, इनका भी काम काफ़ी बेहतरीन रहता है। उसके बाद अगले जो है वो है किशन रेड्डी, युवा चेहरा है बीजेपी का और इनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है। उसके बाद एनडीए के जो सहयोगी दल है जदयू, उनके तरफ से लल्लन सिंह का मंत्री बनना तय है। उसके बाद आरसीपी सिंह जदयू से ही आते हैं, ये भी मंत्री बनने जा रहे हैं। अगले जो है राधा मोहन सिंह जी भी मंत्री बनने जा रहे हैं। कुल मिला के ये हमारे पास जो कंफर्म लिस्ट है जो कि आज शाम को मंत्री पद का ग्रहण करने वाले उनका मैंने नाम आपको बता दिया। इसके अलावा और भी 8 या 10 मंत्री ऐसे जिन्हें कि केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री का पदभार दिया जाएगा, उन सभी का लिस्ट जैसे हमें मिलता है मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा और शाम तक एक वीडियो और पब्लिश करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया गया है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कर दें।